नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता डॉट कॉम किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दलिया खिचड़ी की रेसिपी, जो स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दलिया खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी दलिया लिया है, और खिचड़ी में हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का टमाटर, थोड़ा सा आलू, गोभी, दो हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है, थोड़ा सा गाजर, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और थोड़ा सा हरा मटर लिया है। अब इन सारे सब्जियों को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। अब इधर एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें आलू, गोभी और गाजर को डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अब इन सारे सब्जियों को हम हल्का सा एक कलर आने तक भून लेंगे। सब्जियों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी चलिए हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए तेल में आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे। जीरे को मैंने कुछ देर के लिए पका लिया है। अभी इसमें हम कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को डाल देंगे। प्याज को बस हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको भूनेंगे। प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद में कटे हुए टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही साथ इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे। मसाले एकदम अच्छे से भून गए हैं, तो अभी हम इसमें दलिया को डाल देंगे, जिसको कि मैंने 2 से 3 बारी पानी से साफ से धो के ले लिया है। हरे मटर को भी साथ ही में डाल देंगे। अब इन सबको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। दलिया और सब्जियों को भूनते हुए मैंने 2 से 3 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। अब जिस कटोरी से मैंने दलिया लिया था, उसी कटोरी से मैं 3 से 4 कटोरी पानी डाल दूँगी। पानी को मिला लेंगे और फ्राई किए हुए सब्जियों को भी हम इसमें डाल देंगे। अभी इसको हम कवर करके पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। दलिया खिचड़ी को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया है, और ये पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें। अब इन सबको हम मिला लेंगे। अभी आपको खिचड़ी जो है थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और सूख जाएगा। अभी आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, दलिया खिचड़ी जो है बनकर तैयार हो गई है, और ये बहुत बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।